सिद्धू मूसेवाला का आज अंतिम संस्कार होगा और आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की। उसके बैरक में तलाशी भी ली गई। यहां आपको बता दें कि उधर उत्तराखंड में 6 संदिग्ध को हिरासत में लिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बदमाशों ने AN-94 का इस्तेमाल किया था। वहीं हत्या के लिए इस्तेमाल गाड़ियों की नंबर प्लेट भी फर्जी निकली है। मानसा में सरकारी अस्पताल में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का पार्थिव शरीर रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि आज सुबह 10 बजे शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि सुरक्षा हटाने से पहले रिव्यू नहीं किया गया, तो वहीं कांग्रेस ने भी सुरक्षा वापस लेने पर सवाल उठाए हैं। एक नौजवान गबरू जी बरादरी शरेआम असैसिनेशन हुई है, एड्डा वड्डा कांड होया, सारी दुनिया पंजाब की सरकार वल वेख रही कि वह सरकार जी कहते असी बदलाव लैके आवेंगे, असी डिफरेंट राजनीति करेंगे, तुसी लोगों की लाइफ ना खेल रहे हो। हमें तो रवाब बजाने को कहा था, सीखो रवाब, सीखो नहीं सीखनी तो सुना करो। हमारा बाबा तो रवाब बजाता था, हम किसके किसको फॉलो करने लग गए, किसको रहा नहीं रहा, बरमान लिया, पर बहुत तकलीफ में। मैं कह निशब्द होया वे मेरे, बिल्कुल ही अल्फाज सुझ नहीं रहे, क्योंकि जज्बात ही जज्बात चल रहे हैं प्रभु। उन्होंने मात पिता ने मैं देखा, उन्होंने नाल गल की, वो सारिया बचपन दी यादा सुना सुना के इन्ने रोए हैं अंदर। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई ट्रांसफर हो गया है। मुंबई के पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई ट्रांसफर किया गया। इससे पहले वो मुंबई में ड्रग्स ऑन क्रूज मामले की जांच का हिस्सा थे। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर उठे विवाद पर आज नासिक में धर्म संसद बुलाई गई है। देश भर के साधु संतों के विचार रखने के बाद होगा फैसला। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से कोचिंग करने वाली श्रुति शर्मा ने यूपीएससी में टॉप किया। वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने घर जाकर श्रुति को मुबारकबाद दी। बाद रूस के लिए समंदर में यूक्रेन से मुकाबला मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका में बनी हार्पून दुनिया की सबसे ताकतवर और बेहतरीन एंटीशिप मिसाइल है। यही वजह है कि 30 से भी ज्यादा देशों की सेनाएं हार्पून मिसाइल का इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि हार्पून एंटीशिप मिसाइल जमीन पर भी अपने टारगेट को ढेर कर सकती है और अपने एक वार से बंदरगाहों पर खड़े जहाजों को भी उड़ा सकती है। हार्पून ऐसी एंटीशिप मिसाइल है जो किसी भी दिशा से अपने टारगेट पर वार कर देती है, लेकिन अपने दुश्मन के हाथ नहीं आती।